राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर 3 से 4 बड़ी अपडेट के बारे में भाई, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर भाई अब जो सैलरी है वो कितनी आप लोगों के अकाउंट में आएगी और कब तक आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि एच के आर एन में जो अक्टूबर महीना है और जो सितंबर महीना था उसके अंदर कितनी सैलरी के अंदर बढ़ोतरी की गई है भाई और कब तक आप लोगों की सैलरी आएगी। इसके अलावा भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर और न्यू भर्ती के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज कंडक्टर भर्ती जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर आनी थी लगभग 16 से 17 जिलों के अंदर भाई, वो भर्ती कब तक ऑनलाइन की जाएगी, ये 4-5 अपडेट हैं। इन अपडेट के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आप उससे पहले अपने YouTube चैनल और Telegram चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। तो भाई आप सभी देख सकते हैं ये अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, हरियाणा रिजल्ट .in के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल। आप लोगों को यहाँ पर हर चीज़ की अपडेट सबसे पहले दिखाई देगी भाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे फरीदाबाद जिला कोर्ट में भाई 55 PN प्रोसेस सर्वर आदि की भर्ती है, उसका लिंक है भाई। राजस्थान के अंदर की भर्ती की नोटिफिकेशन यहाँ पर डाल दी गई है भाई। हर चीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले और सबसे अच्छी पोस्ट अपडेट यहाँ पर दी जाती है दोस्तों। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भाई। ये लिंक है इसका हरियाणा जॉब और कॉम के नाम से है, ये आप लोग यहाँ से इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन और शेयर करना दोस्तों, ताकि आप सभी को सबसे पहले अपडेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मिल सके दोस्तों। लगभग भाई 400+ सब्सक्राइबर यहाँ पर हैं, तो आप भी यहाँ पर जुड़ने का जो मौका है वो लें और अपडेट हैं सबसे पहले यहाँ से प्राप्त करें दोस्तों। तो प्यारे साथियों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो आप लोगों की सैलरी है उस सैलरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या सैलरी आप लोगों की आई है और सितंबर महीने के अंदर कितनी सैलरी थी, ये देख सकते हैं दोस्तों। एक दोस्त का मैसेज है भाई, यानी कि उसका HDFC बैंक अकाउंट का उसने भेजा हुआ है भाई हरियाणा कौशल, देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर ये अकाउंट दिया हुआ है। 16,540 रुपये आई थी भाई 6 सितंबर 2023 को इस बच्चे की सैलरी थी, जो 16,540 रुपये भेजने का काम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा किया गया था। लेकिन अब अक्टूबर महीने के अंदर आप देख सकते हैं भाई कितनी भेजी जाएगी, ये 16,500 देख सकते हैं भाई 10:34 पर 6 सितंबर को सैलरी भेजने का काम था वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा किया गया था। और अब की बार जो सैलरी है भाई, यानी कि 6 अक्टूबर 2023 आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, 17,473 रुपये भेजे गए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भाई। यानी कि अब आप देख सकते हैं 17,473 और 16,540 भाई, लगभग 1,000 रुपए के आसपास इस बच्चे की सैलरी बढ़ाने का जो काम था वो किया गया है। ये बात ये भी बोला गया था कि हर डिपार्टमेंट के अंदर लगभग भाई 1,000 से 1,500 रुपए तक आप लोगों की सैलरी बढ़ाकर अक्टूबर महीने के अंदर देने का काम किया जाएगा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। तो वो कौशल रोजगार निगम ने अपना वादा है वो पूरा किया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1,000 रुपये इस सैलरी को बढ़ाने का जो काम था वो काम किया गया है दोस्तों। यानी कि आप लोगों की सैलरी जिसकी अभी तक नहीं आई है 10 तारीख तक लगभग सभी कर्मचारियों की सैलरी डालने का काम है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भाई आप लोगों के लिए और क्या थी, ऑफर लेटर HKRN के अंदर भाई और रोडवेज कंडक्टर भर्ती, हरियाणा रोडवेज कंडक्टर भर्ती हो सकता है भाई आप लोगों के लिए नवंबर महीने के अंदर फार्म ऑनलाइन निकालने का जो काम है वो किया जा सकता है। 16 से 17 जिलों के अंदर आप लोगों के लिए भर्ती निकाली जाएगी और आप लोगों को फार्म भरने का मौका है वो भी दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भाई ऑफर लेटर जो अभी 10 से 15 दिन पहले ऑफर लेटर जारी किए गए थे भाई, जो BCOM बेस के ऊपर जारी किए गए थे, उनकी ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 10 से 11 अक्टूबर तक उन बच्चों ने अपनी ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग करनी है, उनके पास अपना ज्वाइनिंग लेटर है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भेजा जा चुका है। यानी कि उनको 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को अपनी ज्वाइनिंग करनी है, जहां पर आप लोगों को डिपार्टमेंट दिया गया है और जहां पर आप लोगों को जो लोकेशन दी गई है उस लोकेशन के ऊपर पहुँचकर अपने कागज लेकर जाना है दोस्तों सभी को, और वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग है वो
लेनी है और अपना जो काम है उस काम को अच्छे ढंग से करें, ताकि आप लोगों को आगे चलकर फिर एक बार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर मौका देने का काम है वो किया जा सकता है। दोस्तों सैलरी थी आप लोगों की वो बढ़ा दी गई है। कंडक्टर भर्ती के बारे में भाई नवंबर महीने के अंदर हो सकता है आप लोगों के फॉर्म निकालने का काम किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑफर लेटर थे जो 10 से 15 दिन पहले जारी किए गए थे, अब उनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। 10, 11, 12 तारीख को आप लोगों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है। आप अपने ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को मिल भी चुके हैं, किसी का बाकी है तो आप लोगों की जीमेल या हरियाणा कौशल वेबसाइट के ऊपर डालने का जो काम है वो किया जा रहा है, तो आप उन चीज़ों को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नई भर्ती जैसे ही कोई भी आएगी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालने का काम किया जाएगा, आप उन चीज़ों को वहां से देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना दोस्तों। थैंक यू। राम राम।